ओम गणन गणपते नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे, प्रणाम। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दुर्गा सप्तशी के द्वितीय और तृतीय दोनों अध्यायों का एक साथ पाठ करने जा रही हूँ, क्योंकि द्वितीय और तृतीय अध्याय इन दोनों का पाठ हमें एक साथ ही करना चाहिए। इसमें महिषासुर के वध का वर्णन मिलता है। तो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशी के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां पर गए जहां भगवान विष्णु और शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव और अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम और वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको हमने सुना दिए हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनके क्रोध से भौंहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी के मुंह से भी एक तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल गई। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। जब वह तेज पुंज एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु जी के तेज से उस देवी की भुजाएं हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन हुए। इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दो चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौएं हुई। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार दी और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार और कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल और 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट की। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेकों रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी ने कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह दिया और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापूर्ण,
पान प्राप्त दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामुनियों से सुशोभित नागाहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण करते हैं, इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी बहुत से भूषण और आयुधों से देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। उस घोर गर्जना को कहीं भी समा नहीं सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी, सारे लोग शोभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी और सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट से उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस ओर गया जहां से सिंहनाद आ रहा था। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी जी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोकग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढाप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र इनका प्रहार हुआ, उसके सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध के लिए आ गया। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उद्रग महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1,00,000 रथियों को साथ लेकर लड़ रहा था। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5,00,000 रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60,00,000 रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी और घुड़सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5,000,000 रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथों पर सवार होकर आ गए। वे महासुर करोड़ों करोड़ों रथियों और हस्ती सवारों से घिरे हुए थे, उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगारंग में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ों हजार रथों हाथी और अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर बिंदीपाल शक्ति परशु पटेश खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका जी ने जितने भी श्वास छोड़े, वे सभी श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग बिंदीपाल परशु पटेश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ किया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टूक कर डाला। कितने एक तो गदा की चोट से ही घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए। मूसलों के प्रहार से कई रुद्र वमन करने लगे एवं कई शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए गए।
बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई, कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा एक आंख एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। कितने एक को तो सिरों से काटे जाने पर भी वो फिर से उठ खड़े हुए। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने ही धड़ हाथों में तलवारें शक्तियां रिष्टियां लेकर घूम रहे थे, और कई तो एक महासुर देवी जी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े और दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राणों को चुन रहा था। इस प्रकार वो घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब ये द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। तृतीय अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं ही अंबिका जी के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहे हों। तब देवी जी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहलहाती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बिंध डाले जिसका सारथी और घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार और ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ पड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही उसने प्रहार किया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध में आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तथा देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा, आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार के शब्द से ही उसको भस्म कर डाला। उसकी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा ही क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला, ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उद्रग को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का और थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाष्कल वाणों द्वारा अंधक और ताम्र को यम धाम भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु इन नाम के दैत्यों को भी त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता हुआ देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर उसने अपने थुतनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से
मुनियों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। जो ही वह सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर अपने सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा और साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु को उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका जी उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका जी ने उसकी ओर पाश को फेंक दिया, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महेश का रूप त्याग दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सर काटने लगी, तब वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल लेकर उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बिंध डाला। वह एक बड़ा हाथी हो गया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार वह चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर से उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल के पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा, अपने सिंगों से उठा उठा कर पहाड़ देवी जी की ओर फेंकने लगा। सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा कि रे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई, पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसको वहीं रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया, तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी, तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ साथ देवता लोगों ने उस देवी जी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार ये महिषासुर वध का वृतांत अब समाप्त होता है। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय।